हम जब भी किसी स्टाइलिश सेलिब्रिटी का बात करते हैं तो हमारे माइंड में विराट कोहली का ख्याल तो जरूर आता है। वैसे तो विराट एक क्रिकेटर है, लेकिन अपने ड्रेसिंग सेंस और स्टाइलिश दिखने की वजह से वो किसी एक्टर से भी कम नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विराट के हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस तक सभी चीजों के बारे में 6 पॉइंट में कवर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और किसी भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। नंबर 1, ग्रूमिंग। इन दोनों इमेज को देखें, जिसमें लेफ्ट वाला इमेज लगभग 10 साल पुराना है और राइट वाला इमेज इस समय का है। वैसे तो इन दोनों इमेज में अप्रोक्स 10 ईयर का गैप है, लेकिन आपने दोनों इमेज में एक सिमिलर चीज नोटिस किया होगा कि विराट उस समय में भी वेल ग्रूम रहते थे और आज भी वैसे ही रहते हैं। और आपने बहुत ही कम ऐसा फोटो या वीडियोस देखा होगा जिसमें विराट के बाल बहुत ही बड़े और अनस्ट्रक्चर्ड हो। और ये क्वालिटी हमें विराट से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ दिन के लिए कोई काम करने लगते हैं तो हमारा पूरा हुलिया ही बदल जाता है। इसके साथ ही विराट अपने हेयर स्टाइल की वजह से भी जाने जाते हैं, क्योंकि आपने जब भी उनको देखा होगा तो ऐसा लगता है कि उनका हेयर स्टाइल उनके फेस के अकॉर्डिंग परफेक्टली सूट करता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनका हेयर स्टाइल उनके फेस शेप के अकॉर्डिंग होता है। और अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग बेस्ट हेयर स्टाइल के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, एथलीजियर क्लोथ। आपने ज्यादातर विराट कोहली को ऐसे एथलीजियर कपड़ों को पहनते हुए देखा होगा। एथलीजियर क्लोथ एथलेटिक और कैजुअल क्लोथ के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, जिसे पहनकर हम स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए या फिर जिम में तो जा ही सकते हैं, लेकिन इस समय हमारे डेली फैशन वियर का पार्ट बन गया है, जिसे हम कैजुअल कपड़ों की तरह लगभग सभी जगहों पर पहनकर जा सकते हैं, सिर्फ ऐसे जगहों को छोड़कर जहां पर फॉर्मल कपड़ों को पहनकर जाना रहता है। एथलीजियर क्लोथ में ट्रैक पैंट, टी शर्ट, जॉगर्स और शॉर्ट जैसे मल्टीपल कपड़ों का ऑप्शन होता है, जिनके कॉम्बिनेशन से आप मल्टीपल टाइप के आउटफिट को क्रिएट कर सकते हैं। और इन कपड़ों को पहनने के भी मल्टीपल बेनिफिट होते हैं, जैसे इन कपड़ों में आप अदर कैजुअल क्लोथ के कंपैरिजन में ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, जिससे आप इन कपड़ों को लंबे समय तक पहन सकते हैं। इसके साथ इन कपड़ों को पहनने से आपकी बॉडी फिट दिखाई देती है, जिसके वजह से आप और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और मस्कुलर लगोगे। नंबर 3, क्लोथ फिटिंग। किसी भी कपड़े में स्टाइलिश दिखने के लिए उसका फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप मांगे से मांगे कपड़े को पहन लें, लेकिन वो अगर आपके बॉडी के अकॉर्डिंग अच्छे से फिटेड नहीं है तो देखने में कभी भी स्टाइलिश नहीं लगेगा। और आपने ज्यादातर विराट को उनके बॉडी के अकॉर्डिंग वेल फिटेड कपड़ों को पहनते हुए देखा होगा, चाहे वो नॉर्मल कपड़े हो या फिर ओवरसाइज्ड क्लोथ। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ओवरसाइज्ड कपड़ों में फिटिंग का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि आपने जब भी विराट को ओवरसाइज टी शर्ट में देखा होगा तो उनके बॉडी के अकॉर्डिंग करेक्ट साइज का होता है। जैसे एक ओवरसाइज टी शर्ट का करेक्ट फिटिंग होता है कि उसके स्लीव का जॉइंट आपके शोल्डर से थोड़ा नीचे होना चाहिए, और टी शर्ट के स्लीव का लेंथ आपके एल्बो से थोड़ा ऊपर तक हो, एंड वह टी शर्ट आपके स्टोमक और चेस्ट पर लूज हो। लेकिन एक ओवरसाइज टी शर्ट का लेंथ आपके नॉर्मल टी शर्ट जितना ही होना चाहिए, जो आपके पैंट के जिप के बीच वाले एरिया तक आए। और ऐसे ही और कपड़ों के फिटिंग के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 4, फिटनेस। आपने जब भी विराट को किसी फोटो या वीडियो में देखा होगा तो हमेशा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक रहते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है विराट का फिटनेस। एक स्पोर्ट्समैन होने की वजह से उनको अपने बॉडी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा भी विराट अपने फिटनेस को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं। और फिटनेस को लेकर लोगों के माइंड में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये रहता है कि फिटनेस का मतलब बहुत ज्यादा वेट गेन करना और एक मस्कुलर बॉडी बनाना, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम विराट को देखें तो उनके बॉडी का बहुत ज्यादा वेट नहीं और ना ही वो बहुत ज्यादा मस्कुलर है, लेकिन उनका बॉडी वेल फिट है। और ये फिटनेस बहुत ही बड़ा रीजन है जिसके वजह से उनके ऊपर ज्यादातर कपड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए आपको डेली लगभग 1 घंटे का वर्कआउट तो जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी वेल स्ट्रक्चर्ड दिखे और आप जो भी कपड़े पहनते उसमें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लगे। नंबर 5, कलर कॉम्बिनेशन। आपने विराट को ऐसे ब्राइट कलर वाले या फिर कलरफुल कपड़ों को बहुत ही कम पहनते हुए देखा होगा, क्योंकि वह ज्यादातर न्यूट्रल कलर वाले कपड़ों को पहनते हैं। और अगर वो ब्राइट या फिर कलरफुल कपड़े को पहनते भी है तो उसके साथ एक न्यूट्रल कलर के कपड़े को पहन लेते हैं। विराट अपने आउटफिट के कलर कॉम्बिनेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वो ज्यादातर न्यूट्रल कलर वाले कपड़ों को पहनते हैं, क्योंकि न्यूट्रल कलर वाले कपड़ों को पहनने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे आप न्यूट्रल कलर के कपड़ों को कलरफुल कपड़ों के कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम रिपीट करके पहन सकते हैं, क्योंकि जब आप ब्राइट या फिर कलरफुल कपड़ों को पहनते हैं तो लोग ज्यादा आपके कपड़ों को नोटिस करते हैं, जिसके वजह से आप उनको ज्यादा बार रिपीट करके नहीं पहन सकते हैं, लेकिन वही न्यूट्रल कलर वाले कपड़े उतना नोटिसेबल नहीं होते हैं। इसके साथ ही न्यूट्रल कलर वाले कपड़ों के साथ आप मल्टीपल आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप न्यूट्रल कलर वाले कपड़ों को अपर और बॉटम दोनों में एक साथ पहन सकते हैं, लेकिन वही ब्राइट या कलरफुल कपड़ों को अपर या बॉटम वेयर में एक साथ पहनने पर उतना अच्छा नहीं लगता है। नंबर 6, एक्सेसरीज। विराट अपने आउटफिट के साथ एटलीस्ट एक एक्सेसरीज तो जरूर पहनते हैं, चाहे वो ब्रेसलेट हो, वॉच हो या फिर ऐसे ट्रांसपेरेंट फ्रेम, क्योंकि एक्सेसरीज को पहनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो हमारे आउटफिट को और भी ज्यादा इनहेंस करता है, जिससे हमारा पर्सनालिटी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और एक्सेसरीज को पहनते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वो सिंपल और मीडियम साइज का हो, जो आपके आउटफिट को कम्प्लीमेंट करे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े और अजीब टाइप के एक्सेसरीज पहनने से लोगों का ध्यान पहले आपके एक्सेसरीज पर जाता है। तो ये तो रहा विराट कोहली के ड्रेसिंग सेंस और उनके पर्सनालिटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो। और बहुत से लोग मुझे डीएम कर रहे हैं कि मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊं, तो आपको क्या लगता है मुझे इन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट करिए। और तब तक आप हमारे टॉप 10 बेस्ट फेस वॉश वाले वीडियो को देख सकते हैं।